गए अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। जिला मुख्यालय स्थित जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के कार्यालय के बाहर खड़े यह सभी लोग भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल के लोग हैं। इस दल के जिलाध्यक्ष तिलक सिंह राजपूत के नेतृत्व में यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 5 जून वर्ष 2020 को लागू किए गए अध्यादेशों का देश में किसान विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन इन अध्यादेशों को कृषि क्षेत्र में कंपनी के रूप में देख रही है। किसानों को इस कानून से कंपनी का बंधुआ बनाए जाने का खतरा सता रहा है। कृषि कानून नियंत्रण, मुक्त जगन भंडारण, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। समर्थन मूल्य कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों में किसान बिचौलिए और कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। शोषण बंद हो सकता है। इस कदम से किसान की आय में वृद्धि होगी। आगे ज्ञापन देने आए इन लोगों ने और क्या कुछ बताया है, यह जरा सुनिए। मेरा नाम तिलक सिंह राजपूत है। आज डीएम साहब को किस संबंध में ज्ञापन देने हैं? डीएम साहब को जो किसान विरोधी सरकार ने तीन अध्यादेश जो पारित किए उनके विरोध में मांग पत्र देने आया हूँ। अच्छा, क्या क्या किस तरीके की मांगे हैं? हमारी मांग है कि सरकार द्वारा जो किसानों की फसलों के MSP घोषित किए जाते हैं उनको एक कानून का दर्जा दिया जाए, इससे कम खरीद करने वाले को जेल भेजा जाए, ये भारतीय किसान यूनियन की मांग है। और जो स्टॉक लिमिट ख़त्म की है और जो मंडियों को ख़त्म करने की योजना है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसका भारतीय किसान यूनियन पूरी तौर से विरोध करते हैं। जो डीएम साहब को ज्ञापन किस संबंध में दिया? लालू भैया, भारतीय किसान यूनियन आगरा मंडल उपाध्यक्ष। ये जो ज्ञापन दिया गया है, जो किसान विरोधी जो तीन अध्यादेश लाए गए, सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको किसान को ख़त्म करने की जो साजिश रची गई है उसके विरोध में ये ज्ञापन है। MSP और उसको ख़त्म करने के लिए ये उसके विरोध में ये ज्ञापन है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार कहती है कि बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बिचौलिए बढ़ेंगे, मंडी में अलग हैं और बाहर अलग बैठेंगे। जो पैन कार्ड से जो इन्होंने खरीद इशू की है, इसके जरिए बिचौलिए बढ़ेंगे, दलाली ज़्यादा बढ़ेगी, किसानों को परेशानी ज़्यादा होगी, किसानों का माल ज़्यादा लूटा जाएगा, इसके खिलाफ में ये ज्ञापन। विपन कुमार, आज जो DM साहब को ज्ञापन दिया किस संबंध में दिया? वो राशन डीलर द्वारा अवैध तरीके से वसूली और मारपीट, अभद्र व्यवहार और घटतौली के संबंध में। क्या क्या मांग, क्या क्या कहता है? जैसे जो जिनको जो पात्र व्यक्ति राशन कार्ड धारक हैं उनको 4.5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देता है और उसके बाद 20 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली करता है। और जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 12 किलो चावल देता है, 18 किलो गेहूं देता है, 30 किलो जबकि सरकार द्वारा 35 किलो निर्धारित है और यहाँ 12 रुपया प्रति यूनिट लगना चाहिए, वहाँ 20 रुपया ले रहा है और घटतौली भी कर रहा है। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने कहा अनिश्चित कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी कार्रवाई, मैं जल्द दिखवाता हूँ, जल्दी कार्रवाई होगी।